Hey guys, welcome back to D3. तो कैसे हैं आप लोग? So guys, आज की वीडियो हम जो देखने जा रहे हैं वो है ट्रिगर्ड इंसान की और ये है आई प्रपोज डिनचैक पूजा आफ्टर लिसनिंग हर न्यू सॉन्ग फॉर रियल है ये. चलो तो वीडियो स्टार्ट करते हैं. बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं हम ये वीडियो देखने के लिए. सेल्फी मैंने ले लिया. टाइटल से तुम्हें ऑलरेडी पता चल चुका है. जी हाँ, वो ऐतिहासिक लम्हा आ चुका है जब ढिंचैक पूजा, वो ढिंचैक पूजा जिस पर वीडियोस बना बना के मैंने अपने चैनल की स्टार्ट करी थी, वो ढिंचैक पूजा जिसने सेल्फी मैंने ले लिया, स्वैग वाली टोपी जैसे लेजेंडरी गाने गाए हैं, वो आज स्वयं हमारे चैनल पे आने वाली है. एंड हम जाने वाले हैं एक डेट पे. एंड क्योंकि मैंने रिसेंटली ढिंचैक पूजा का एक लव सॉन्ग सुना, ये गाना सुन के कसम से मेरी आंखें खुल गई और मैंने सोचा क्यों ना हम पूजा जी पे एक छोटा सा प्रैंक कर लेंगे. और वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही होंगी तो उनका रिएक्शन देखने वाला होगा. और उसके अलावा भी हमने काफी सारी फन एक्टिविटीज वगैरह करी है, वो तो मैं तब पता चलेगा अगर तुम वीडियो को एंड तक देखोगे. तो एंड तक देख लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना. देखो वो आ गई, देखो वो आ गई, अरे आंखें खोल के देखो वो आ गई. तो गाइस, यही है वो ऐतिहासिक पल जब हमारे साथ हैं द लॉर्ड सुरों की देवी हरसेल्फ ढिंचैक पूजा. तो ढिंचैक जी हमारे चैनल पर आई हैं. ढिंचैक जी, आपके सम्मान में हमने एक इंट्रो तैयार करा है छोटा सा. गाना बजाओ. 3, 2, 1. सेल्फी मैंने ले लिया, सेल्फी मैंने ले लिया, सेल्फी मैंने ले लिया, सेल्फी मैंने ले लिया. ढिंचैक जी, आपको कैसा लग रहा है? आप बिग बॉस में गई, आपने इतने बड़े बड़े इंटरव्यू दिए, आपने अपने जीवन में जो आप लेवल पहुंच सकती थी सब अचीव कर लिया है और उसके बाद आज आप फाइनली हमारे चैनल पर आ गए. आपको कैसा लग रहा है? आपसे मिलना चाहती थी, आज मिल लिया, बहुत अच्छा लग रहा है. मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है. तो ढिंचैक जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि आगे का क्वेश्चन क्या था. आज तक मैंने आपको काफी मैसेज करे, आप पे वीडियोस भी बनाई कुछ, लेकिन आपने कभी ना उन पे रिप्लाई करा, ना मुझे कभी इंस्टा पे रिप्लाई करा, ना मैसेज करा. लगता है व्यूज कम हो गए हैं जो अब आप सामने से कोलैब कर रहे हो मेरे साथ. व्यूज तो कम हो गए हैं जो कि सच है, सबको पता है, लेकिन मैं सोचा जो मेरे ऊपर बने हैं तो उनसे ही बात कर ले. फिर पहले हमने आपको आगे बढ़ा दिया, आप हमें आगे बढ़ा दी. ये साझेदारी है. देखिए, कभी हमने भी अपना चैनल जो है आपके नाम पे ही पूरा शुरू किया था, तो अब अच्छा हुआ ना किया, तो हमारे यहाँ बैठ सकते. सही बात है. देखो, दोनों मिलजुल के आज चैनल बढ़ा रहे हैं. चलो इसी बात पे लाइक करो वीडियो को जल्दी से. वैसे व्यूज की बात हो रही है तो आपको क्या लगता है, अब मैं यहाँ आई हूँ तो फिर आपके कितने व्यूज हो जाएंगे इस वीडियो में? पहले ही आपने मेरे सब्सक्राइबर चुरा लिए हैं, अब जो है वो भी चुरा लो. मैंने चुरा लिए. खींच लिया. देखिए, वो जमाना बहुत पुराना था, आज से 4-5 साल पहले. अच्छा, लोग तो वही हैं, ये लोग भी चेंज हो गए, बदलते रहते हैं. बच्चे देख रहे हैं आजकल, बच्चे, अरे बिल्कुल नवजात शिशु, अभी जो फ्यूचर में पैदा होने आ रहा है उनके बच्चे पेट से ही वीडियो देख रहे हैं मेरी. तो आपको क्या लगता है, आपके जोक्स पर सिर्फ बच्चे हंसते हैं? देखो, आपको कैसे पता कि मेरे जोक्स पे बच्चे हंसते हैं? क्योंकि मेरी वीडियो पे बच्चे कमेंट करते हैं, बट कम से कम मेरी वीडियो पे कोई कमेंट तो करता है. आपकी वीडियो पे कहाँ करेंगे, आपके तो कमेंट्स ही ऑफ, कमेंट्स ऑफ किए हुए हैं, क्योंकि वी डोंट लाइक कमेंट. देखिए, कोई गाना आपका अच्छा है या बुरा है ये तो तब पता चलेगा ना, अगर ये सामने वाले का पर्सपेक्टिव है. मेरा तो हर चीज अच्छा है. आई लाइक दैट. तुम कहोगे यार इसकी आंखें अच्छी नहीं है, जो भी कोई यार आंखें अच्छी है. अभी मैं तुम्हारी सुनूंगी, उसकी सुनूं, उसकी सुनूंगी ना. और जिससे याद आया कि आपका वो गाना था, दिलों का शूटर है मेरा स्कूटर, दिलों का शूटर मुझसा ना है कोई क्यूटर. आपको कैसे पता आप क्यूट हो? मैं तो देखो क्यूट हूँ, बचपन से थी, और सारी लड़कियां लड़के मैं सबको क्यूट मानती हूँ और अपने आप को तो ज्यादा ही मानती हूँ. अच्छा, गाना राइम हो रहा था, क्यूट भी है तो वो बन गया, वो चल गया गाना. जो भी राइम होगा डाल देंगे. जो भी नहीं, मतलब आज तक तो आप यही करते आए हो. पूजा, एक और मेरा क्वेश्चन था कि आपने इतने लेजेंडरी इतने क्वेश्चन पूछ रहा है, इतनी बड़ी स्टार भी नहीं हूँ. मेरे लिए आपसे बड़ा स्टार कोई नहीं है, क्योंकि मेरे चैनल पे आपका नाम डालते ही व्यूज आते हैं. आज मैं खुद आ गई. आज आप खुद आए हो तो मैं तो सोच रहा हूँ क्या होगा, बताओ. भगवान को कुछ चढ़ाओ यार, कितना बन रही है. आप ही भगवान है. थैंक यू सो मच. आशीर्वाद आशीर्वाद.
चलो आगे। तो मैं ये पूछ रहा था कि आपने इतने लेजेंडरी गाने बनाए, तो आपका आपके गानों में सबसे फेवरेट कौन है? अब आप ये मत बोलना कि सारे अच्छे हैं, एक होता है गाना जो सबसे फेवरेट होता है इंसान का, आपका खुद का कौन सा है? वैसे तो वही सारे हैं, मेरा आंसर वही है, मेरे को पता था, बट आई थिंक मैं अगर मैं कहना चाहूँ तो फर्स्ट को कहना चाहूंगी, क्योंकि वहां से मेरा करियर शुरू हुआ है। फर्स्ट आपका स्वैग वाली टोपी, राइट? देखो मुझे पता है, कितना फॉलो करता है मुझे। अच्छा दूसरी आईडी से? नहीं नहीं, रियल आईडी से करता हूं। रियल आईडी से करता हूं, अच्छा मैं तो देखा नहीं। अरे मैं सिर्फ एक ही चैनल को सब्सक्राइब दो अपने रियल अकाउंट से, आपको बस। भगवान आपको लंबी उम्र दे। वो आपका चैनल पे अगर हम अभी जाएंगे ना तो आपका दारू 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 गाना है सिर्फ, सबसे पहला। स्वैग वाली टोपी है भी नहीं आपके चैनल पे, फिर भी मुझे पता है कि वो आपका फर्स्ट गाना था। तो आपने उसको रोस्ट बनाया होगा, इसलिए आपको पता है? नहीं मैंने नहीं उस पर बनाया, मैं फॉलो किया आपको स्टार्टिंग से 2015-14 या 15। यार इतना किसी लड़की को फॉलो करते है पता नहीं क्या होता, कहाँ से कहाँ होता है, क्या मुझे फॉलो? अरे आप समझ नहीं रहे हैं यार। अच्छा करियर भी इम्पोर्टेंट होता है ना, ये आपका करियर है। चीज़ राइट, हंस क्यों रहे हो तुम लोग? सही तो बोल रही है भाई, करियर इम्पोर्टेंट है ना। है ही वो तो। अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन और पूछूं? पूछो। आप बिग बॉस तक पहुंच गई थी, okay. ये कैसे हो गया? कितने पैसे देने पड़े थे बिग बॉस में जाने के लिए? देखो पैसे लेके भी वो देते नहीं है, तो सबको पता है, नहीं तो कोई भी आ जाता, अमीर से अमीर लोग वहाँ पे, तो आपने देखा होगा। तो उनका मेल आया था मेरे पास कि मतलब ऑडियंस की डिमांड थी, जब भी हमको शूट या वीडियो या कुछ भी फिल्म होती है तो ऑडियंस की डिमांड पे होती है हमेशा। उन्होंने मुझे मेल किया, मैं उनसे मिली, फिर मुझे जाना था, एंट्री करनी थी, बट मैंने मना कर दिया। उसके बाद मेरी वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई थी, उन्होंने मुझसे दोबारा पूछा, मेरे मैनेजर ने बोला, फिर मैंने दोबारा एंट्री की उस पे, क्योंकि मुझे दो तीन लोगों ने उल्टा सीधा बोला था कि तो पागल है बिग बॉस में नहीं जा रही। अब मुझे यही नहीं पता बिग बॉस क्या है, क्योंकि मैं देखती नहीं हूँ। अच्छा, आपको यही नहीं पता था बिग बॉस? नहीं पता था, नहीं तो मैं जाऊंगी ना। सलमान खान को सामने से देखा फिर कैसा लगा आपको? सामने से सलमान खान जैसे लग रहे थे वो पहले? नहीं वही थे। अच्छा वही थे, हाँ तो फिर मैंने हाथ वाथ मिलाया तो हाँ ठीक है, क्योंकि मैं कैसे बता सकती हूँ कि वही थे, क्योंकि मैं तो फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ। बहुत बचपन से उनकी मूवीज में देखा है मैंने उनको, अच्छा था, लोग सब अच्छे थे। तो काफी ऐसा अजीब नहीं लगा आपको कि उन्होंने तक आपका रोस्ट कर दिया, वो आपसे गाना गवाया उन्होंने? दिलों का शूटर है मेरा स्कूटर, दिलों का शूटर। उसके बाद वो बोलते हैं ये मजाक चल रहा है क्या? मजाक चल रहा है, इसको वायरल कर दिया तुमने, ये गाना हिट किया आप लोगों ने, ऐसा ही हुआ था ना? देखो मैं बहुत फॉलो करता हूँ बड़े लोगों को, लोग फॉलो करते हैं और बड़े लोग बड़ा लोग फॉलो कर रहे हैं, समझ लो। सलमान खान मुझे रोस्ट कर रहे हैं, सही बात, आपको किया कभी? करना चाहिए था, मैं वो वीडियो जरूर देखती, उस पर लाइक भी करती। अभी सल्लू भाई की बात हो ही रही है तो मैं पूछना चाहूंगा आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल। पूछो। सल्लू भाई भी हमारे गाने गाते हैं, आप भी गाने गाते हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कौन ज्यादा अच्छे गाने गाते हैं, सल्लू भाई? सलमान खान आपको ढूंढ रहे हैं, फोन आ रहा है, फोन आ रहा है। या फिर आप ज्यादा अच्छे गाते हैं? सेल्फी मैंने ले लिया। अब दोनों भाई कॉम्पिटिशन बहुत तगड़ा है, हम दोनों अच्छा गाते हैं, आप अच्छा नहीं गाते? मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, गा के दिखाओ। गाना बोलो आप कौन सा गाऊं? कोई भी गा दो जो आपको आता हो लिरिक्स के साथ। टोपी लाओ भाई, आज आपको टोपी पहनाते हैं। अरे आपने खुद ही पहन ली, सही लग रहा है। स्वैग वाली टोपी मेरी, स्वैग वाली टोपी, स्वैग वाली टोपी मेरी। अरे पीछे लोग का है? अरे मेरे चार भाड़े के टट्टू का है। भाड़े के टट्टू को लो, 10-10 रुपए वाले भाड़े वाले, चले आओ पीछे आओ, तू भी आ भाई। स्वैग वाली टोपी मेरी, स्वैग वाली टोपी, स्वैग वाली टोपी मेरी, स्वैग वाली टोपी। दारू 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 होए, दारू 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 होए, दारू 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 जो ना नाचे उसको मारू, दारू दारू। सेल्फी मैंने ले लिया, मैंने ले लिया। देखो मैंने अपने सेल्फी मैंने ले लिया आज वाला सपना भी पूरा कर लिया, वो भी विद ढिंचक पूजा हर सेल। कम से कम मेरे गाने आज आप गा पा रहे हो? मैं तो हमेशा गाता हूँ गाने, वाइब करता हूँ मैं, मतलब रात रात भर जाग के जब हम पार्टी कर रहे होते हैं ना, सिर्फ ढिंचक पूजा के गाने। गुड। अब मैंने आपसे इतने क्वेश्चन पूछ लिया, आप भी तो कुछ पूछ लो। ऑडियंस के लिए मुझे इतना बुरा नहीं लगता क्योंकि वो आपकी वीडियोस देखते हैं, मुझे उस स्टूडेंट के लिए बुरा लगता है जिसकी आप इंजीनियरिंग की सीट खा रहे हैं। कुछ नहीं भाई, मैं सोच रहा था मैं वीडियो बनाऊंगा ढिंचक पूजा को रोस्ट करा इन रियल लाइफ, ये उल्टा हो रहा है। आप सिंगर हो, मैं रोस्टर हूँ, क्या पता रियलिटी में ऐसा हो, ऑडियंस को पता ही नहीं कुछ। मुझे भी नहीं पता ये बात, तो यार मुझे भी नहीं पता ये बात यार, पुलिस पता लगा रही है। ये काम ज्यादा अच्छा है, कम से कम कुछ लोगों का टाइम पास तो हो रहा है। हाँ सही बात है, मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, जो मैंने बोल दिया कुछ बना के दिखाओ रियलिटी में। बनाने की बात कर रहे हो, गाना बनाते हैं? बिल्कुल, आप बताओ क्या गाना? तीन वर्ड थे तो गाना बना दूंगा, निश्चय मल्हान नाचोस। नाचोस और निश्चय मल्हान, नाचो निश्चय मल्हान, नाचो निश्चय मल्हान।
हाँ नाचो निश्चय मल हाँ नाचो 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 ढिंचक पूजा का गाना है ना, समझ कैसे आएगा। वैसे आपका कोई फैमिली बिजनेस है क्या? क्यों, कभी आपने सोचा है जिस दिन YouTube बंद हो जाएगा उस दिन क्या करोगे आप लोग? सोच लो, अभी टाइम है। मैं तो इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन। ओके, तो मेरे पास तो है ऑप्शन, मैं तो नौकरी कर लूंगा। आपने अपना सोचा, आपका क्या होगा? मैं तो एक लड़की हूँ, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन। ये लड़की वाला कार्ड कहाँ से यहाँ पे आ गया भाई? अरे शादी कर लूंगा यार किसी से, क्या होगा? मैं तुमसे नहीं कर रही टेंशन। दिल टूट गया। अभी होप है, ट्राई करते रहना। सच में तो व्हाइट फूल नहीं देते, रेड देते हैं, कुछ पता नहीं है क्या आपको? बच्चा हो ना। अच्छा, पूजा, आई वॉज वंडरिंग के 5 साल हो चुके हैं मुझे YouTube पे वीडियोस डालते हुए। मैंने स्टार्टअप पे वीडियोस बना के किया था, लेकिन इस पूरी जर्नी में मैंने कभी रियलाइज ही नहीं करा कि मुझे कब आपसे कुछ नहीं हुआ। हुआ हुआ, आपको नहीं पता चला, बट हो गया। मैंने आपको प्रपोज भी किया था, आपने रिजेक्ट कर दिया था, मतलब हे भेज दिया था, वो भी आपने नहीं, आपके किसी दोस्त ने, असिस्टेंट ने। तो अभी मैं सोच रहा था कि पूजा जी आई लव यू। लो नाचोस खाओ। So, इसको मैं हाँ समझू? अच्छा नहीं है, दोबारा कोशिश करना। पूजा जी, will you be my valentine? No. कोई बात नहीं, ट्राई करते रहो। मैंने क्या बोला, ट्राई करते रहना, शायद। It's a prank. Okay. It's a very फालतू का failed वाला prank. I tried. वैसे आपने क्या सोचा है, आप शादी कब करोगे? वैसे अंडर एज क्राइम नहीं है इंडिया में? आगे वाले सेगमेंट पे चलते हैं गाइस। हो गया मेरा काफी। तो इस सेगमेंट में मैंने पूजा को कुछ कमाल कमाल के क्रिंज वाले गाने सुनाए, ये देखने के लिए कि क्रिंजी सॉन्ग्स पे पूजा का क्या रिएक्शन होगा। ये इलायची ना मांगे कोई, रंग जाओ जो मैं हाथ लगाओ। तो पूरा आपको पता है कौन देखा आपने इसको पहले? दिस इज एलियन डीजे मृणाल। ये एक अलग ही कैटेगरी है इंसानियत की, मतलब एक तरफ इंसान होते हैं, एक तरफ डीजे मृणाल है। आपको पता है इसने एक इंटरव्यू में बोला था ये आपसे इंस्पायर्ड है। पता नहीं, मैं तो देखती नहीं। आप जानती नहीं है, लेकिन आपने एक पूरी नई जनरेशन ऑफ सिंगर्स को इंस्पायर करके रखा हुआ है। अच्छा है, कोई इंस्पायर हो रहा है, अच्छी बात। आपको अच्छा लगा ये गाना? कैसा लगा? ठीक है, ये ठीक था, हमें सुनने में तो अच्छा नहीं लग रहा, बट वो हमने एंजॉय कर रहे, तो ठीक है। दो झूठ बताने और एक सच बताने और सामने वाले को पकड़ना है कि कौन सा सच है कौन सा झूठ है। पहली, मैं 10वीं क्लास में 2 बार फेल हुआ था। दूसरी, मैं यूट्यूबर बनने से पहले चांदनी चौक पे बर्गर की रेडी लगाता था। और तीसरी, मेरी हाइट 6'1" से ज्यादा है। अब आपको बताना है कि इसमें सच कौन सा है और झूठ कौन सा है। फेल वाला क्या है? टेंथ में 2 बार फेल हुआ था। वो सच है? नहीं गाइस, तो ना ही मैं 10th में फेल हुआ था, ना ही मैं बर्गर की रेडी लगाता था। मेरी हाइट एक्चुअली 6'15" है। ठीक है, तो मैं पूछती हूँ आपसे 3 क्वेश्चन, उसमें तो बताइए कि सच क्या है। मेरा नाम पूजा नहीं है। सेकंड, मैं इंडिया से नहीं हूँ, बर्थ कहीं और हुआ है, अभी तो इंडिया में हूँ। और थर्ड, मुझे डॉग पसंद नहीं है। डॉग पसंद नहीं है, तो मुझे लगता है कि जो सेकंड वाला आपने बोला ना कि मैं इंडिया से नहीं हूँ, मुझे वो लग रहा है कि वो वाला जो है वो सच हो सकता है। मुझे क्या पता, मंगल मंगल से हो सकता है। दुनिया से नहीं, आपका नाम पूजा नहीं है। आई थिंक ये तो झूठ है, पूजा ही नाम है आपका शायद। आफरीन फातिमा बेगम का थर्ड वाला सच है। सी, आई गॉट इट, मतलब आप इंडिया से क्या? ये वाला शॉट ले, ये वाला थर्ड क्या बोला था उसने?
को भी हम हरा देते हैं पंजे में एक बार ही में खेल खत्म ढिंचक पूजा के साथ आम रेसलिंग आर यू रेडी एरियल पंजा देखिए पूजा जी अगर आप ये जीत गए आप तो आप पूरा चैलेंज जीत जाएंगे ठीक है रेडी है गो जय भगवान जी किधर ओह माय गॉड गाइस मेरा माइक गिर गया और मैं हार गया हूँ गाइस इट्स ओके इट्स ओके कोई दिक्कत नहीं है कोई टेंशन नहीं है कांग्रेचुलेशंस आप जीत गई हैं काफी दम है एक्चुअली इसमें तो पूजा जी बस वीडियो खत्म करने से पहले आप हमारी ऑडियंस के लिए कुछ दो लाइनें भी अगर गुनगुना देंगी ना तो बस मजा आ जाएगा चलो डांस करते हैं ठीक है मरने तक डांस करेंगे किसी से भी नहीं डरेंगे आजा तू डांस फ्लोर पे मिलकर सब डांस करेंगे किसी से भी नहीं डरेंगे आजा तू मरने तक डांस करेंगे आजा तू डांस फ्लोर पे गाइस ये था ढिंचक पूजा का आने वाला गाना एक मिनट में बना दिया एक मिनट में एनीवेज आई होप यू गाइस एंजॉयड द वीडियो ये आई थिंक पूजा आपका फर्स्ट एवर कोलैब था इंडिया में आज तक का वो भी ट्रिगर्ड इंसान के साथ फर्स्ट एवर कोलैब एवर विद सो आई होप यू गाइस एंजॉयड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग पूजा ढिंचक बहुत क्यूट वीडियो थी बहुत क्यूट वीडियो थी और दोनों एक दूसरे को लास्ट तक रोस्ट ही कर रहे हैं नाम तो सुना ही है ना पूजा ढिंचक हाँ, कितना पॉपुलर बहुत पॉपुलर नेम है और वो ना अच्छा था कि एक मिनट में गाना ना थी इंस्टेंट सॉन्ग मरने तक डांस करेंगे मरने तक राजा डांस फ्लोर पर बहुत बढ़िया और टिकट इंसान का उस पर डांस भी अच्छा था और जो उन्होंने गेम्स खेले टू लाइज और वो और उन्हीं की आपको बिग बॉस ने कितने पैसे दिए सॉरी आपने बिग बॉस को कितने पैसे दिए बिग बॉस में जाने के लिए तो उसने बोला कि नहीं मुझे मेल आया मैंने एक बार रिजेक्ट कर दिया दूसरी बार आया वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई और अच्छा था वैसे है ना और वो सलमान खान ने तुम्हें क्या बोला था वो गाना गा के सुनाओ कौन सा था ये सब हिट किया ये सब शर्म नहीं आई नहीं फिर उसने पता क्या बोला था सलमान ने ये सॉन्ग आपने हिट किया फिर उसके बोला ये सॉन्ग तो सुपर हिट होना चाहिए था और okay. नहीं और कौन सा था वो कि जिसमें बोलता नहीं जब पूजा ने उसे बोला कि मुझे बस आप एक चीज का दुख है कि आपने एक बंदे की सीट खा ली इंजीनियरिंग वो सीट खा गई किसकी इंजीनियर की अच्छा अच्छी वीडियो बहुत अच्छी थी बहुत ज्यादा और अभी न्यू आई है तो आप जाके देख सकते हैं इसका ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और हमारी इंस्टाग्राम आईडी को भी जाते जाते फॉलो करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय